नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क। बुसू स्टार्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली जम्मू कश्मीर की सादिया तारिक की वतन वापसी हो चुकी है। आपको बता दें कि पिछले महीने के अंत में मॉस्को बुसू स्टार्स प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर की सादिया तारिक ने हिस्सा लिया था। उनसे प्रभासाक्षी के संवाददाता ने विशेष बातचीत की है। इस दौरान सादिया तारिक ने बताया कि रूस में स्थिति कठिन थी, लेकिन उन्होंने इसे बाखूबी संभाला था। उन्होंने बताया कि उनकी अंतिम लड़ाई एक रूसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ थी और वह मुकाबले से पहले घबराई हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक हासिल किया। हालांकि उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने के बाद रोने वाली बात को भी स्वीकार किया। आपको बता दें कि मॉस्को से स्वदेश लौटी सादिया तारिक का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ था। इस दौरान फैंस सादिया तारिक को देखकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित दिखाई दिए थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि तिरंगे के नीचे खेलना उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। 15 वर्षीय सादिया तारिक के स्वर्ण पदक जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई लोगों ने बधाई दी थी। इस विषय पर भी उन्होंने प्रभासाक्षी के संवाददाता को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिली बधाई देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मॉस्को बुसू स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। मैंने 48 वेट कैटेगरी में खेला था, तो मेरी 3 फाइट्स लगी। जो मेरी लास्ट बाउट थी वो थी रशिया के साथ, तो मैं बहुत थोड़ी थोड़ी डरी हुई थी और मतलब डर भी था कि जीतना है मुझे। तो मैंने वहाँ पे रशिया को हराया, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील किया जब मैंने जीता। तो मैंने अपने मम्मा पापा को कॉल किया और कोचेस को कॉल किया, तो मुझे मतलब रोते रोते कॉल किया सबको कि मम्मा मैंने जीता। तो मम्मा ने भी रोया, पापा ने भी रोया, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हुई। और जब मेडल सेरेमनी थी तो इंडिया का फ्लैग ऊपर चढ़ा, तो मेरे को इतना ज़्यादा प्राउड फील हुआ। और जब मैंने जब सुना कि पीएम साहब ने मेरे लिए ट्वीट किया है, तो मतलब मैं तो बूस्ट अप हो गई। उनका मतलब सच में मेरे लिए कोई जोक तो नहीं है, मतलब मेरे लिए किया है। तो उसके बाद सब बोलने लगे, हाँ ये तुम्हारा ही नाम है, तुम्हारे लिए किया है। तो मतलब मैं उनको भी थैंक यू करना चाहती हूँ। और बहुत सब ने किया था मेरे ट्वीट, तो मैं उनको भी थैंक यू करना चाहती हूँ। और अपने कोच को, कुलदीप अंडू सर को, रमी सर को, एजाज सर को, इरफान सर को और मकसूद सर को, जिनने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतनी प्रैक्टिस कराई कि मैं इस मुकाम पर जीत गई। सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। घर वाले तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और इवन कोचेस भी, स्पोर्ट्स काउंसिल भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मेरे जो बाबा है वो मतलब इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई और मतलब इतना पेरेंट कोई अपने बच्चे को इतना सपोर्ट करता है। आधे पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो मतलब अपने बच्चों को घर पर ही रखते हैं, कुछ करने नहीं देते हैं, कहते हैं बस पढ़ाई करो, बाकी स्पोर्ट्स ये सब फजूल है। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील्ड है बच्चों के लिए, क्योंकि वो हर एक चीज़ से दूर रहते हैं, ड्रग्स से दूर रहते हैं, और मेंटली भी फिट रहते हैं और फिजिकली भी फिट रहते हैं। मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ। पहले मैं थैंक यू करना चाहती हूँ सबको जिनने मेरे ट्वीट किया, और मैं इनको यूथ को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जितने भी लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे, मतलब उनसे मतलब फेस करना सीखो उनको, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए हैं। तो अगर कोई इंसान वही स्ट्रगल्स लेके बैठ जाएगा तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। पहले तो मैं बोलता हूँ ये एक आगाज था, साथ इज ए फर्स्ट बिगनिंग, और बिगनिंग में वो जो पहले एक जो तो परीक्षा हुआ, टेस्ट हुआ, तो उसने वो प्रूव कर दिया कि शी इज़ द बेस्ट, और इसकी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है इससे और ज़्यादा बढ़ गई। एंड आई एम ड्रीमिंग कि ये यूथ एशियन गेम जो 22 दिसंबर में हो रही है, तो वहाँ पर वो गोल्ड मेडल ले आए, अपने देश का और अपने रियासत का नाम रोशन करे, और आने वाले समय जो अभी फ्यूचर है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, यूथ ओलंपिक्स है, उसमें भी वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, और हम इसको और ज़्यादा गवर्नमेंट भी इसका सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सपोर्ट करेगी, और इसके अगर ऐसे कंटिन्यू करते रहेगी तो शी विल बी द टॉप स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द कंट्री। बस ये है कि जो लोग जो है मतलब अपना जो जो एनर्जी है दूसरी चीज़ों में चैनलाइज करते हैं जो अच्छी नहीं है सोसाइटी और कंट्री के लिए, मैं चाहता हूँ कि वो स्पोर्ट्स में आ जाए, स्पोर्ट्स का टेस्ट ले ले, स्पोर्ट्स का एक नशा डाल दे। आप देखो आजकल स्पोर्ट्स एक ईजी नहीं है, वो रिक्रिएशन नहीं है, इट इज़ अ प्रोफेशन। आप एक आइकॉनिक फिगर बन सकते हो, अपने देश का नाम, जैसे सादिया ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनका ट्वीट कर दिया, तो एक नेशनल फिगर बन गई है, तो वो भी बन सकते हैं, वो क्यों नहीं बन सकते। जस्ट एक परीक्षण करनी, मेहनत करनी है। आई विश ऑल द बेस्ट कि सारे आ जाए और मेहनत करें और अपना देश का नाम रोशन करें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।